संजय राय जी जैसे व्यक्ति जो अपने गांव गए, अपने जिले गए, जो एक आकांक्षी जिला है, एक बैकवर्ड जिला है, जहां जाकर और मुझे उस महामारी का पीक पीरियड आप सोचिए, गाजीपुर में ना मास्क है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ना ट्रॉमा सेंटर है, ना हॉस्पिटल है, उस मुसीबत के बीच में वहाँ की जनता के लिए ये एक देवदूत की तरह प्रकट हुए और सुबह शाम एक करके, रात भर मेहनत करके इन्होंने वहाँ की जनता को बचाया। वहाँ कई वुड बैंक इन्होंने स्थापित किए जिससे कि लोग वहाँ गंगा के आगे अच्छी तरह बरियल कर सके। और ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि महामारी के समय लोग अपने आप को बचाने में लगे हुए थे, कोई आगे नहीं उतर रहा था उस समय, वो पीक पीरियड। अब आप सोचिए, लोगों को कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में कमरा नहीं मिल रहा है, लोगों के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, कोई आगे उतर नहीं रहा है, सब लोग कमरे में अपने बंद हैं। और उस बीच में संजय राय जी यहाँ से दिल्ली से गाजीपुर गए, वहाँ उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया और मोबिलाइज करके एक आत्मविश्वास पैदा किया। और उसके उस बीच में रात दिन मेहनत करके कॉन्सेंट्रेटर्स अरेंज किए, वेंटिलेटर्स अरेंज किए, ट्रॉमा सेंटर बनाया और एक आत्मविश्वास पैदा किया कि गाजीपुर जीतेगा और कोरोना हारेगा, और वही उन्होंने किया। तो भाइयों बहनों, ये हमारे देश में जब हम SDG की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, पिछले 7-8 वर्षों में करीब 271 मिलियन लोगों को हमने दारिद्र रेखा के ऊपर उठाया है। जब से ये सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, 271 मिलियन लोगों को हमने दारिद्र रेखा के ऊपर उठाया है। और उसका खास कारण यह रहा कि हर व्यक्ति के लिए घर बनवाया, उन्होंने हर घर तक बिजली पहुंचवाई, और औरतें जो कि कुकिंग गैस जिनके पास नहीं थी, घर घर में कुकिंग गैस पहुंचाई गई। तो एक विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाई गई है। और हमारे देश में कई बहुत मुश्किल जस वाले जिले हैं जिनको हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, पर हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बैकवर्ड शब्द मत उपयोग करो, हम उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, आकांक्षी जिले कहते हैं। तो 112 जिले ऐसे पकड़े हम लोगों, जो कि देश में विद्याभ्यास में पीछे थे, हेल्थ के क्षेत्र में पीछे थे, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में पीछे थे, कृषि के क्षेत्र में पीछे थे। हमने करीब 48 ऐसे इंडिकेटर पकड़े और उनके साथ, वहाँ के जिलों के साथ मिलके हमने डैशबोर्ड बनाया, और हम उनके साथ वहाँ के परफॉर्मेंस में, ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, इन जिलों के पास पैसे जाते हैं, पर मोरल बहुत लो है, गवर्नेंस बहुत पुअर है, वहाँ टीचर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो हमने स्टेट्स के साथ मिलकर इन 112 जिलों में बहुत बदलाव लाए हैं। पिछले 2 वर्षों के अंदर एक इन जिलों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, विकास का बदलाव आया है। इसी तरह मेरे विचार से स्वच्छ भारत कैंपेन ने बहुत बड़ा बदलाव किया। स्वच्छ भारत से हाइजीन आई, और आगे चल के जो हर घर तक जल पहुंचेगा, उससे एक बहुत बड़ी क्रांति आई देश को। आगे चल के हर वर्ष 8-9% से ग्रोथ लानी जरूरी है, और ये आज नहीं, अगले 3 decades तक, अगले 30 वर्षों तक हर साल 8-9% पर ग्रो करना आवश्यक है। ये विकास आवश्यक है, और इस विकास, ये जब विकास होगा तो हम सारे SDG गोल्स जो हैं, 176 इंडिकेटर्स, इन सब में हम बढ़ावत करेंगे, हेल्थ हो, एजुकेशन हो,
और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की, ना केवल 1500 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बदलाव लाए, क्योंकि जो आखिरी व्यक्ति है गांव-गांव में उस तक हेल्थ पहुंचना, हेल्थ का विकास पहुंचना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो 500 मिलियन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देती है और जो कि पूरा डिजिटल है, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम जो कि पूरी डिजिटल है। मैं बलिया गांव का हूं, मैं केरला में जाकर काम करता हूं, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस वहां तक जाएगा। इसी तरह ये एक अकेला देश है जहां की पूरे हर व्यक्ति के पास आधार है, हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है और करीब 750 मिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन है। और यही कारण है कि हम करीब 536 भारत सरकार की स्कीमों, ये सरकार इस समय 536 स्कीमों में जो आखिरी व्यक्ति को जो दारिद्र रेखा के नीचे लोग रहते हैं उनका जो बेनिफिट होता है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने लगे। मैं जब कलेक्टर था तो ये पैसा सेंटर से स्टेट में जाता था, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में जाता था, डिस्ट्रिक्ट से पंचायत में जाता था, और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था केवल 15% इस पैसे का पैसा एक्चुअल जो बेनिफिशियरी है उस तक पहुंचता है। आज वो 100% उसके बैंक अकाउंट में जाता है, क्योंकि 100% एक पैसे का लीकेज नहीं होता। और उसका जो मुख्य कारण है कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी, इस सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, सबसे बड़ी चीज जो की कि डिजिटाइजेशन किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, और उस टेक्नोलॉजी के साथ अब आप देखिए इस ये एक अकेला देश है जहां 99% लोग अपना इनकम टैक्स डिजिटल तरीके से देते हैं। आजकल मैंने करीब 3 वर्षों से अपना क्रेडिट कार्ड नहीं उपयोग किया, मैं अपने बैंक से या तो UPI उपयोग करता हूँ या भीम पे उपयोग करता हूँ या पेटीएम उपयोग करता हूँ या फोन पे उपयोग करता हूँ या गूगल पे उपयोग करता हूँ, उसके थ्रू पेमेंट करता हूँ। हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है, हर व्यक्ति के साथ उसका आधार का लिंकेज है, हर व्यक्ति के साथ उसका स्मार्टफोन का नंबर लिंक्ड है, तो आप बैंक अपने फोन को उपयोग करके सीधे पेमेंट कर सकते हैं। और आगे चल के हर व्यक्ति यही देश में करेगा, क्योंकि भारत नेट स्कीम हर व्यक्ति को अगले 1000 दिवस के अंदर ये डिजिटाइजेशन हो जाएगा हर गांव गांव में। और ये डिजिटाइजेशन की क्रांति जो आएगी, ये टेक्नोलॉजी की जो क्रांति आएगी, इसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजिकल लीप फ्रॉगिंग। और ये जो देश आगे बढ़ेगा अगले 30 सालों में, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत बड़ी कदम लेगा आगे।